रैगिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मथुरा के संजय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज का है, जहां पर एक छात्र को रैगिंग का शिकार होना पड़ा है। फरुखाबाद के रहने वाले राहुल ने बताया कि सीनियर छात्र उससे जूता साफ करवाते थे, बल्कि जबरन कई और काम भी करवाते थे। यही नहीं, अगर वो काम करने से इनकार करता था तो उसे ड्रग्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते थे। 15 अगस्त को यहाँ पे रहने के लिए आए थे। 15 अगस्त को हमें मतलब हमारे सीनियर्स ने और हमारे जूनियर ने और टीचरों ने मिलके मेरे साथ मतलब बदतमीजी करी और ड्रग्स दिए। क्या रैगिंग करने की कोशिश की गई आपकी? हाँ, रैगिंग कहते थे, जूता साफ करो, हमें सर बोलो और ये सब फलाना निकाना, ये सब कहते थे। और पल से हम शिकायत करने गए तो उन्होंने बोला कि बेटा ये सब तो होता रहता है। राहुल ने 8 अगस्त को इस कॉलेज में एडमिशन लिया था और 15 अगस्त को वह यहाँ रहने के लिए आ गया था, लेकिन उसके बाद उसके साथ ये घटना हो गई। किसी तरह राहुल अपने परिवार के पास पहुँचा, जहाँ उसने अपनी सारी आपबीती सुनाई। राहुल के पिता का कहना है कि कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले में ढिलाई बरत रहा है। 26 के इसके साथ बराबर यहाँ हॉस्टल में स्टूडेंटों ने ड्रग्स दिए और ड्रग्स दे के नशे की हालत में इसको मारा पीटा और बराबर डेली ड्रग्स देते रहे। पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस ने पहले तो ये कहा कि वो ये यहाँ एरिया में हमारे एरिया में नहीं आ रहा है, जैतपुर पुलिस ने कहा। और जब छाता के एसओ आए तो उन्होंने कहा, बहुत देर में कहा कि हम FIR करें लिख लेंगे, और अभी लिखी नहीं है FIR, कहा है कि लिख लेंगे और कॉलेज प्रशासन दबाव बना रहा है कि FIR न लिखी। फिलहाल आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया गया है, हालांकि आरोपी ऐसी किसी घटना से इनकार कर रहा है। फिलहाल पीड़ित छात्र 1 हफ्ते से अपने परिवार के साथ है। वहीं पुलिस इस मामले को छात्रों के विवाद से जोड़कर देख रही है। गजेंद्र चौधरी, एक्सपोज इंडिया, मथुरा।